हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मेहनत कर रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। मैं हूं आपका सदा से आपकी मदद करने वाला डॉक्टर अमन सहगल। आज एक बार मैं फिर से आपके सामने आया हूं एक बहुत ही नया और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेके। आप सोच रहे होंगे कि भाई किस चीज़ का लेक्चर है, क्या पढ़ाने जा रहे हो? तो जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस वीडियो के थंबनेल में कि ये पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और मैं बताना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल्स क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स में से एक है, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर दे चुका हूँ। और जिनको इस बात की जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आपके लिए देखना है ज़रूरी वो पहले 3 वीडियो लेक्चर। वो पहले 3 वीडियो लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया है, वो पहले 3 वीडियो लेक्चर में मैंने क्या समझाया है, तो उसके लिए मैं आपको ज़रा दे दूँ थोड़ा सा ज्ञान, ताकि ना होना पड़े बाद में आपको किसी भी बात को लेकर परेशान। मैंने इससे पहले 3 वीडियो लेक्चर में जो सबसे पहला वीडियो लेक्चर शेयर किया हुआ है, क्लास 10th के और क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन लेक्चर है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, पॉलिनोमियल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, पॉलिनोमियल्स को कैसे स्टडी किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं सबसे पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आप में से कोई बच्चा ये वीडियो लेक्चर आज पहली बार देख रहा है, तो मेरी आपको है सजेशन कि मत देखो, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो डेफिनेटली आप ये वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख सकते हैं। दूसरा वीडियो लेक्चर पॉलिनोमियल्स का जो मैं बना चुका हूं, उसमें मैंने डिस्कस किया था हाउ टू सॉल्व अ गिवन पॉलिनोमियल। खास करके हमारा ये चैप्टर सबसे ज्यादा बात करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। बिल्कुल सही आपने सुना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी शक्ल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है। यानी इस फॉर्म में, इस शक्ल में जो भी पॉलिनोमियल होता है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। कैसे सॉल्व करना है मैंने दूसरे वीडियो लेक्चर में बखूबी समझाया है। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे सॉल्व करके उसके 2 फैक्टर्स निकलते हैं बाय द मेथड कॉल्ड एज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके जब हम 2 फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो उन फैक्टर्स को हमने क्लास 9th में ब्रैकेट में रखा था, लेकिन क्लास 10th में ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं, और ऐसा क्यों कहते हैं ये बखूबी आप जानते हो वीडियो लेक्चर नंबर 2 में। और जिन बच्चों ने मेरे क्लासरूम लेक्चर्स अटेंड करे हैं वो भी बेहतर तरीके से ये बात जानते हैं। देन उसके बाद आया एक तीसरा वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने टॉपिक पढ़ाया था डिविजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे किया जाता है। एक गिवन पॉलिनोमियल होगा और एक दूसरा पॉलिनोमियल होगा, एक वो जो डिवाइड हो रहा होगा, एक वो जो डिवाइड कर रहा होगा। तो कैसे पॉलिनोमियल होता है डिवाइड, कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल का डिवीजन, ये सब कुछ मैंने आपको बखूबी है समझाया। तो फिर आप सोचना क्या, ये हमारा पॉलिनोमियल्स की सीरीज का 4th वीडियो लेक्चर है। मैं डिस्क्रिप्शन में पहले 3 वीडियो लेक्चर्स के लिंक शेयर कर दूंगा, आप देखना मत भूलिएगा। क्लास 10th के स्टूडेंट, आपके लिए ये वीडियो मैं प्रकट करने जा रहा हूं, प्रेजेंट करने जा रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे टॉपिक कि हाउ टू फाइंड मोर रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड मोर रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हेन 2 ऑफ इट्स रूट्स आर ऑलरेडी गिवन। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। साफ साफ कहिए, इस चैप्टर में बचा है आखिरी टॉपिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही। तो हमारा आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, दैट इज बेसिकली फॉर अ टॉपिक कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन टू क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के इस चैप्टर में आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा और साथ ही क्यूबिक पॉलिनोमियल से ताल्लुकात रखने वाले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर या जिसकी डिग्री 3 होती है।
हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डिवाइड कर चुके हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री टू होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म मतलब कि वो कैसा दिखेगा। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल शक्ल होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल शक्ल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल शक्ल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल शक्ल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल शक्ल होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हम इसमें दो फैक्टर निकालते हैं, एक अल्फा निकालते हैं एक बीटा निकालते हैं। लेकिन आज के बाद जब भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में निकलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में निकलते हैं तीन फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर जिसे अल्फा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखते। दूसरा फैक्टर जिसे कहा जाता है बीटा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखते। और तीसरा फैक्टर जिसे कहा जाता है गामा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखते। लेकिन अल्फा का सिंबल अल्फा, बीटा का सिंबल बीटा और गामा का सिंबल गामा, ऐसे जरूर लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के टोटल तीन फैक्टर हैं, एक जिसे कहा जाता है अल्फा, एक जिसे कहा जाता है बीटा, एक जिसे कहा जाता है गामा। अगर आपको याद हो जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी किया था तब हमने उसे फैक्टराइज किया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने के लिए क्लास टेंथ में नहीं कहा जाता, रैदर आपको क्लास टेंथ के अंदर चेक करने के लिए कहा जाता है। एक बच्चा बोला मतलब ये कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा व्हाट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये दिया जाएगा, उसके तीन जीरोस दिए जाएंगे, अल्फा दिया जाएगा, बीटा दिया जाएगा, गामा दिया जाएगा। और अल्फा बीटा और गामा दिए जाने के बाद आपको पूछा जाएगा कि चेक करो कि वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ अल्फा, वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ बीटा एंड वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ गामा इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट। नहीं समझ आया, मैं दोबारा बताता हूं। हमने नाइन्थ क्लास में एक टॉपिक सीखा था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बच्चों जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वो वैल्यू जिसे अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो पुट करते ही पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। हमें नाइन्थ क्लास में और टेंथ क्लास में जीरो आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए और निकालना भी आना चाहिए। लेकिन किस तरह के पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में ऐसा नहीं है कि हम जीरो निकाल नहीं सकते, लेकिन एनसीईआरटी में क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ऑन आइडेंटिफिकेशन इज मोर देन द क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग। इनफैक्ट फाइंडिंग पे क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन आता है तब जब ऑलरेडी कुछ रूट्स दिए हों, जो मैंने अभी बोला हाउ टू फाइंड मोर रूट्स, थोड़ी देर पहले कहा था हाउ टू फाइंड मोर रूट्स फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल व्हेन टू ऑफ इट्स रूट्स आर गिवन। जब पहले से कुछ रूट्स पता है उनके आधार पे और नए रूट्स निकालने हैं, वो हम आज के टॉपिक में सीखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल से ताल्लुकात रखने वाला टॉपिक नंबर वन, जो हमारा टॉपिक नंबर वन है क्यूबिक पॉलिनोमियल से ताल्लुकात रखने वाला, मैं आपको पहले वो बता दूं। आपने ये देख लिया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये आपको पता लग चुका है। यानी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है थ्री उसे कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, यही है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और आइए बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यानी साफ साफ कहूं टॉपिक नंबर वन। टॉपिक नंबर वन क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज टॉपिक नंबर वन। टॉपिक नंबर वन कहता है टू चेक वेदर द गिवन वैल्यू, वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज अ जीरो of a polynomial or not, whether the given value of x is a zero of a polynomial or not। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपके पास आएगा, मेरे पास बुक है, मैं बुक से क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको यहां सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास,
एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल अपने सामने खोल के बैठ जाओ। मैं ऑप्शनल एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है जो आपको करा रहा हूं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जिक्र एनसीईआरटी की डायरेक्ट एक्सरसाइज में नहीं किया गया, रादर ऑप्शनल में किया गया। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं कराने हूं जा रहा, आपको बताने हूं जा रहा, कोई डाउट आए तो मुझे पूछना। क्वेश्चन नंबर 1, अगर एनसीईआरटी खोल के बैठोगे बच्चों तो फायदे में रहोगे, इससे हमारा टाइम सेव होगा। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं, मेक श्योर कि आपकी एनसीईआरटी आपके सामने है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर देयर जीरोस। वेरीफाई करें कि जो नंबर है वो उनके जीरोस हैं या नहीं है। उसके बाद एक लाइन और लिखी है, उसमें लिखा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। लिखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। सवाल आता है सर ये जो वेरिफिकेशन की बात आपने कही है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच केस, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं फिर मतलब समझाता हूं। क्वेश्चन हमारे पास है, पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2, और हमें साइड में गिवन है 1 0 1/2 और 1 0 1 और 1 0 -2 गिवन है। हमारे पास यहां पे 3 जीरोस हमें गिवन है और इन 3 जीरोस को हमें वेरीफाई करना है, आइए जानते हैं कि कैसे वेरीफाई करेंगे। आपको मैं ये चीज समझाऊंगा और आपको ये चीज समझ आ जाएगी। बुक मैंने साइड में रख दी है और अब हम करने जा रहे हैं। सुनो, अगर आपको याद हो जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते समय हम लोगों ने जीरोस का सम निकाला था, याद करिए अल्फा प्लस बीटा। हमने जीरोस का प्रोडक्ट निकाला था, याद करिए अल्फा इंटू बीटा। ठीक उसी प्रकार किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर भी तीन चीजें होती है। एक होता है जिसे हम कहते हैं सम ऑफ इट्स जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपको पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस का मतलब होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। एंड देन तीसरी चीज होती है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। ये बात उन्हीं बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टॉपिक को अच्छे से समझा है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टॉपिक को आपने अच्छे से समझा है तो आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आपको याद हो जब हमने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक रूट निकलता था अल्फा, एक रूट निकलता था बीटा, और यहां पे सम ऑफ जीरोस निकालने के दो तरीके थे। पहला तरीका था फैक्टराइज करो, फैक्टर निकालने के बाद अल्फा निकालने के बाद बीटा निकालो, दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा विच वॉज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसे हमने नाम दिया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमने कहा था अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4 के ऑप्शनल क्वेश्चन की जो पहली स्टेटमेंट है, जानते हो बच्चों उसमें क्या कहा गया है? उसमें साफ साफ कहा गया कि सबसे पहले क्वेश्चन के बगल में दिए गए जीरोस को चेक करो कि ये है भी या नहीं। एक बार को मान लेते कि वो है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि अल्फा बीटा और गामा को तुम डायरेक्ट प्लस करो और अल्फा बीटा और गामा का सम तुम फॉर्मूले से निकालो। अगर डायरेक्ट प्लस करके और फॉर्मूला लगा के तुम्हारा आंसर आता है सेम, तो समझो जीत गए तुम ये गेम।
मतलब ये कि वेरीफाई हो गया, ये आप अच्छी तरह जानते हो, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल भी किया है। तो फिर डिले किस बात का, पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करोगे, पहला मैं समझाऊंगा, दूसरा आप करोगे, आगे आपको बढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए हमारे पास ये फॉर्मूला है ही, इसकी हम पहले जगह बनाते हैं, पहले हम वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले कहेंगे लेट अस पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.2 In the given polynomial. तो given polynomial हमारे पास है px is equal to 2x³ plus x² minus 5x plus 2. तो polynomial में x की जगह पुट किया 1/2. 2 into 1/2 का cube plus 1/2 का square minus 5 into 1/2 plus 2. तो polynomial में 1/2. तो 2 इंटू 1/8 प्लस 1/8 माइनस 5/2 प्लस 2। देख लीजिए, आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मेरे पास आ गया 1/4 1/8 माइनस 5/2 प्लस 2। एलसीएम लिया हमने 8, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया आपका माइनस 5 और माइनस 10 प्लस यहाँ पे आ गया 4। तो मेरे पास यहां पे आ गया आपका 2+1 3 और मेरे पास आ गया -10+4/8। एक बार ऐसा लग रहा है कि कोई मिस्टेक करी है, पहली x की वैल्यू 1/2 है हमारे पास, x का क्यूब हमने पुट करा तो 1/8 यहां आ गया, x का स्क्वायर पुट किया तो यहां 1/4। मुझे कहा था मिस्टेक तो लग रही थी, तो वही मैं सोचूं कि जीरो आना चाहिए क्योंकि वो जीरो आता है। तो 1/4 आ गया प्लस 1/4 आ गया, -5/2 आ गया प्लस 2 आ गया, तो यहां पे हमारे पास बन गया ये 2/4 और यहां पे बन गया ये -5+4 और डिवाइड बाय हमारे पास आ गया 2, तो ये बन गया 1/2 और ये बन गया -1/2। शून्य शून्य शून्य, देख लो जीरो आ रहा है, देख लो जीरो आ रहा है, क्योंकि यहां पे जीरो आ गया, दैट इज वाई एक्स की पहली वाली वैल्यू 1/2 इज ए जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। इसका मतलब ये जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल है। आओ दूसरी वैल्यू चेक करें। पहली वैल्यू हमने चेक कर ली। दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, लेट अस से कि हम x की जगह पुट कर रहे हैं 1, x की जगह 1 पुट करेंगे तो पॉलीनोमियल की शक्ल क्या है, px। तो px में हमने पुट किया 2x³ प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो पॉलीनोमियल में x की जगह 1 को बिठाया, 1 का क्यूब लगाया, 1 का स्क्वायर लगाया, 5 इंटू 1 पाया। तो देखो पॉलीनोमियल में 1 को बिठाया, 2+1 माइनस 5+2, पी में पॉलीनोमियल 1+1 3 3+2 5 माइनस 5। देखो बच्चों 1 की जगह लगा के हमने शून्य यहाँ पे पाया। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट आया, समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बातें पल्ले पढ़नी चाहिए, तब जाके चीजें क्लियर होगी। आपके सामने आ चुका है पॉलीनोमियल में हमने x की जगह 1 पुट करा तो हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया। हमने पॉलीनोमियल में x की जगह 1 पुट करा तो हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया। आइए चेक करें x की जगह अब पुट करते हैं -2। तो पॉलीनोमियल में x की जगह -2, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर, उसके बाद -5 इंटू -2 प्लस 2। तो पॉलीनोमियल में -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 का क्यूब करेंगे, जैसे ही हम यहां पे -2 का क्यूब करते हैं 2 2 4 4 2 8 आ गया -8, यहां पे स्क्वायर करते हैं तो यहां पे आ गया +4, यहां आ गया +10, यहां आ गया +2 और यहां आ गया -16, यहां आ गया +4, यहां आ गया 12। फिर से लग रहा है कोई मिस्टेक होगी, एक बार देखिए कोई मिस्टेक हमने करी है कि नहीं करी, मेरे हिसाब से तो हमने है नहीं करी। -12+12 गिव्स यू द शून्य। दोबारा देखो किसी बच्चे को कोई डाउट कभी है आ रहा, आई होप आपको बातें क्लियर हो रही हैं, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर मैंने आप लोगों को जो चीज समझाई है, मैंने यहां पर आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट कराया है, इस कॉन्सेप्ट में आपने नोटिस किया कि पॉलीनोमियल के बगल में जो तीन वैल्यू दी हुई थी उन तीनों वैल्यूज को मैंने पुट किया, जैसे ही उन तीनों वैल्यूज को मैंने पुट किया, उन तीनों वैल्यूज को पुट करके हमें जीरो मिला। दिस मींस कि हमने चेक कर लिया कि यस, दीज थ्री वैल्यूज आर द गिवन वैल्यूज विच आर द जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। अब हमें चेक करना है कि क्या इन तीनों वैल्यूज का सम करके जो सम ऑफ रूट आएगा, इन तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा, इन तीन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करके जो सम करेंगे, क्या फॉर्मूले से भी सेम आएगा। आओ हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं वेरिफिकेशन। तो हाउ टू डू वेरिफिकेशन, ये देखो वेरिफिकेशन
ऑफ द रिलेशनशिप, हम करने जा रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट, वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट बाय डायरेक्ट, बाय एडिंग एंड बाय फॉर्मूला, बाय एडिंग एंड बाय फॉर्मूला। तो यहां पे लिखते हैं बाय डायरेक्ट मेथड जो हमें पता है, बाय डायरेक्ट मेथड जो हमें पता है, या सिंपल शब्दों में कहें बाय एलजेब्रिक मेथड, वो एक एलजेब्रिक मेथड है क्योंकि आप प्लस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, वो सब एलजेब्रा का पार्ट है। तो बाय एलजेब्रिक मेथड देखते हैं कि क्या आंसर आता है और बाय फॉर्मूला देखते हैं कि क्या आता है। आओ बाय एलजेब्रिक, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बाय फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर माइनस बी बाय ए है तो माइनस बी बाय ए में माइनस बी, देखो 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 बहुत सिंपल है आपके लिए, मैं यहां पे बताता हूं। ये देखो, ये है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब देखो माइनस बी में बी कौन, माइनस वन, ए कौन, टू, तो ये आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आओ चेक करें, अल्फा तेरी वैल्यू कितनी, एक बटा दो, बीटा तेरी वैल्यू कितनी, एक माइनस दो, तो ये आ गया एक बटा दो माइनस वन, तो ये आ गया आपका एक माइनस दो बटा दो एंड इट कम्स आउट टू बी माइनस वन बाय टू। तो सॉल्व करके दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी माइनस वन बाय टू, सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देख लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को सॉल्व करके भी क्या आया, माइनस वन बाय टू। आई होप आप लोगों को समझ आया, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो बेसिक चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं ये समझ आनी बेहद जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम कहते हैं, जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाय, माइनस डी बाय, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में माइनस डी माइनस डी माइनस डी माइनस डी, डी ये रहा, तो ये रहा माइनस टू, ए कितना है टू, तो ये आ गया माइनस वन। लेकिन इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में अल्फा कितना वन बाय टू, बीटा कितना वन, गामा कितना माइनस टू, कैंसल कैंसल, आ गया माइनस वन। देख रहे हो स्टूडेंट्स वेरीफाई हो गया, तो वी हैव वेरीफाइड बाय बोथ द मेथड्स, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। नाउ कम्स द लास्ट थिंग विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे हम कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा को बीटा से, बीटा को गामा से, गामा को अल्फा से, जब तीनों को सम है किया जाता तो फॉर्मूला बदले में सी बाय ए है लगाया जाता। तो आओ पहले करे अल्फा बीटा, फिर करे बीटा गामा, फिर करे गामा अल्फा, अल्फा देखो क्या वन बाय टू, बीटा वन, बीटा क्या वन, गामा माइनस टू, गामा क्या माइनस टू, अल्फा क्या वन बाय टू, कट के सॉल्व कर दिया, माइनस टू यहां आ गया, माइनस वन यहां आ गया। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट आ गया, नहीं आया तो अब देखो, नहीं आया तो अब देखो, आपको समझ आना चाहिए वन माइनस सिक्स बटा टू इज इक्वल टू माइनस फाइव बटा टू, देख लो देख लो देख लो, माइनस पांच बटा दो, माइनस पांच बटा दो आया है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कम्स आउट टू बी माइनस फाइव बाय टू, कम्स आउट टू बी माइनस फाइव बाई टू, कम्स आउट टू बी माइनस फाइव बाई टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बाय यूजिंग नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड। आओ आप सीधा फॉर्मुला लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाय ए, सी कितना माइनस फाइव, ए कितना टू। अरे भाई क्लास टेंथ के प्यारे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, और अगर मैं किताब में देखूं तो हां इस क्वेश्चन के अंदर यहां साफ साफ पता चल रहा है दो पार्ट है, साफ साफ पता चल रहा है मेरे पास, मेरे सामने मुझे नजर आ रहा है कि एनसीईआरटी की किताब में, एनसीईआरटी की किताब में, एनसीईआरटी की किताब में जहां पहला क्वेश्चन था उसमें अल्फा गिवन था, बीटा गिवन था, गामा गिवन था, वेरीफाई किया, पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, मैं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री करके दिखाता हूं। टू पे मैं अभी आया नहीं हूं, टू पे क्वेश्चन कहता है फाइंड, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये टू फाइंड अ क्यूबिक पॉलीनोमियल है, इस पे टेक्निक अलग लगेगी, मैं क्वेश्चन नंबर थ्री कराता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो क्या कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थ्री की बारी आ चुकी है, एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थ्री की बारी आ चुकी है, एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर
थ्री की बारी आ चुकी है, एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थ्री की बारी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, कह रहा है पहला क्वेश्चन कहता है इफ द जीरोस, कहता है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल आर आर ए माइनस बी, आर ए माइनस बी कॉमा कॉमा ए एंड उसके बाद दे रखा है कॉमा ए प्लस बी, ये तीन जीरो दे रखे हैं। क्वेश्चन ने कहा है टू फाइंड ए एंड बी, क्वेश्चन ने कहा है ए एंड बी पता लगाओ, क्वेश्चन ने हमें साफ साफ कहा है कि ए एंड बी पता लगाओ। ये हमारे पास तीन जीरोस हैं, कोई भी पॉलीनोमियल हो सकता है, हम नहीं जानते कि उस पॉलीनोमियल की शक्ल क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन उस पॉलीनोमियल के जीरो दे रखे हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें से एक को मान लेते हैं अल्फा, ये हमने मान लिया कि हमें दे रखा है अल्फा, ये हमने मान लिया कि हमें दे रखा है बीटा, और ये हमें मान लिया कि हमें दे रखा है गामा। अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा वी नो दैट, वी नो दैट, क्या वी नो दैट कि फॉर अ गिवन पॉलीनोमियल, किसी भी गिवन पॉलीनोमियल के लिए, किसी भी गिवन पॉलीनोमियल के लिए, फॉर अ गिवन पॉलीनोमियल जिसकी शक्ल होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। हमें पॉलीनोमियल की शक्ल तो नहीं दे रखी, एक बार देखिए क्वेश्चन में क्या पॉलीनोमियल की शक्ल दे रखी है, दे रखी है भाई, फॉर अ गिवन इफ द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल की शक्ल दे रखी है, पॉलीनोमियल की शक्ल दे रखी है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये पॉलीनोमियल है। इस पॉलीनोमियल के ये तीन जीरोज हैं, इस पॉलीनोमियल के क्योंकि ये तीन जीरोज हैं तो हमें क्वेश्चन ने कहा है अल्फा निकालो, ना 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 ए निकालो और बी निकालो। अब अल्फा बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय होता है, हम जानते हैं हमारे पास अल्फा क्या है, हमारे पास अल्फा है ए माइनस बी, हमारा बीटा क्या है, हमारे पास बीटा है ए, हमारा गामा क्या है, हमारे पास गामा है ए प्लस बी विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी और प्लस बी कैंसल तो थ्री ए इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी में माइनस ऑफ माइनस थ्री और ए की जगह आया वन तो थ्री ए इज इक्वल टू थ्री तो ए इज इक्वल टू वन। लो भाई ए तो सॉल्व हो गया, ए तो सॉल्व हो गया, कोई डाउट है तो पूछो। आओ अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की विच इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए, अल्फा कितना है हमारे पास ए माइनस बी, बीटा कितना हमारे पास ए, और गामा कितना है हमारे पास ए प्लस बी विच इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए यानी माइनस वन बाय वन, जिसमें से ए क्या था वन, तो वन माइनस बी वन इंटू वन प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो वन माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और वी कैन सिंपली से दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू रूट टू। देख लो, घूर लो, मन में कुछ सवाल मचा दो, आधा पूरा बवाल, आपको बेसिक बातें समझ आनी चाहिए। मैंने आपको यहां पे आइडेंटिफाई करके दिखा दिया, मैंने आपको यहां पे सॉल्व करके दिखा दिया कि अल्फा क्या आया है और बीटा क्या आया है। ये था हमारी एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर टू नहीं कराया, वो अलग टॉपिक है, अभी अभी सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं अल्फा बीटा गामा के बेसिस पे। आइए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव। फोर नया टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है, कराऊंगा बिल्कुल कराऊंगा, और फाइव थोड़ा सिंपल टॉपिक है, फाइव डिवीजन का टॉपिक है, फाइव जो है वो डिवीजन का टॉपिक है। उस पे जाने से पहले जिस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर फोर है वो टॉपिक की शुरुआत कर देता हूं, उस टॉपिक की शुरुआत कर देता हूं और अपने सामने किताब के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाल लेता हूं जो उसी टॉपिक से ताल्लुकात रखने वाले हैं ताकि आपको चीजें समझ आने लगे। अब मेरी बात सुनना, ये इस वीडियो लेक्चर के अंदर मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला आखिरी टॉपिक होगा, जो चीजें बच जाएंगी वो मैं कवर करूंगा अगले वीडियो लेक्चर में, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो पॉलीनोमियल्स को रैप अप करने वाला ये लेक्चर जरूर है, पॉलीनोमियल्स को रैप अप जरूर किया जा रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर जो आखिरी टॉपिक या इस वीडियो लेक्चर में जो आखिरी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आखिरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। ऐसा नहीं है कि पॉलीनोमियल्स खत्म हो गया, पॉलीनोमियल्स की और बहुत सारी प्रैक्टिस है जो हो सकती है, लेकिन वो क्लासरूम टीचिंग में होती है, ये वीडियो लेक्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है।
मैं बहुत जल्द प्रैक्टिस का लेक्चर भी लेकर आऊंगा जिसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बियॉन्ड एनसीईआरटी जाकर कराऊंगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल। जो मैं अगली चीज बताने जा रहा हूं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल्स यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुन लो, क्वेश्चन कहता है, टॉपिक कहता है, हाउ टू फाइंड मोर रूट्स, हाउ टू फाइंड मोर रूट्स ऑफ अ गिवन पॉलीनोमियल, ऑफ अ गिवन पॉलीनोमियल, तब जब पहले से कुछ रूट्स गिवन हो, तब जब पहले से कुछ रूट्स गिवन हो, यानी अगर पहले से कुछ रूट्स गिवन है तब क्या करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे सामने किताब में मैं एग्जांपल लेके बैठा हूं और क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा। क्वेश्चन है, फाइंड ऑल अदर जीरोस, फाइंड ऑल अदर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। हमारे पास एक पॉलीनोमियल है 2x³ + 3x² - 11x - 6। If one of its zeros is -3। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना भाई, क्लास टेंथ के सभी बच्चे इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लें। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसका एक ही जीरो निकल सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसके 2 जीरोस निकल सकते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसके 3 जीरोस निकल सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। अब अगर आप ऊपर देखेंगे, यहां पे पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कायदे से कितनी डिग्री, 3 डिग्री, कायदे से कितने रूट्स, 3 रूट्स, यानी क्या क्या निकल सकता है, अल्फा निकल सकता है, बीटा निकल सकता है, गामा निकल सकता है। आपको एक रूट गिवन है, यानी अल्फा गिवन है, बीटा नहीं गिवन, गामा नहीं गिवन। हो सकता है कि आपको अल्फा बीटा दोनों दिए जाते, हो सकता है कि आपको सिर्फ अल्फा दिया जाता और बीटा और गामा निकालने होते। ये वही क्वेश्चन है जहां अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है और आपको गामा निकालने को कहा जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में डिग्री 4 जाती है, बच्चों जब डिग्री 4 जाएगी घबराना मत, 4 डिग्री का मतलब आपको 2 रूट्स दिए जाएंगे पहले से, एक अल्फा दिया जाएगा, एक बीटा दिया जाएगा, तीसरा जिसे हम कहते हैं गामा और चौथा जिसे हम कहते हैं सिग्मा और कभी कभी ओमेगा, वो आपको निकालना होगा। लेकिन टेक्निक वही है जो अब सिखा रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये -3 मैं यहां पर लिख रहा हूं, इफ -3 इज वन ऑफ द जीरो, Which means -3 x की वैल्यू आई होगी, x की वैल्यू -3 कब आई होगी, ये तब आई होगी जब x+3, यानी put x+3 = 0 क्या होगा, तो therefore जाके x = -3 आया होगा। भाई अल्फा कब आता है, अल्फा 2 कब आएगा, अल्फा 2 तब आएगा जब फैक्टर x-2 होगा, तभी x-2 को = 0 पुट करेंगे तो x = 2 आएगा। अल्फा -3 कब आएगा, अल्फा -3 तब आएगा जब x+3 फैक्टर होगा। तो सिंपल सी बात है, ये बेसिक चीज आपको समझ आनी चाहिए। यहां साफ साफ कहा जा रहा है कि -3 ऑफ द जीरोस, व्हिच मींस x+3 वुड हैव बीन द फैक्टर, x+3 वुड हैव बीन द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी x+3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर रहा होगा। देयरफॉर x+3 मस्ट डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल, x+3 को गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना चाहिए। मतलब टेक्निक सिंपल है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया जा रहा है, उसका एक जीरो दिया जा रहा है, उस जीरो से आप फैक्टर निकालो। अब वो फैक्टर अगर पॉलिनोमियल को बिलोंग करता है तो भैया पॉलिनोमियल को डिवाइड तो करेगा, आपको एक जीरो दिया जा रहा है, आपको पॉलिनोमियल दिया जा रहा है, उस जीरो से आप एक फैक्टर निकालो। अब अगर वो फैक्टर पॉलिनोमियल को बिलोंग करता है तो ये फैक्टर इसको डिवाइड जरूर करेगा, तो मस्ट डिवाइड इट। तो करके देख लो भाई, करके देख लो, यानी x+3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2x³ + 3x² - 11x - 6। x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x³ आए, 2x² से, तो मेरे पास आ गया 2x³। 2x² को 3 से किया तो आ गया 6x², साइन माइनस का कैंसिल, -6x² + 3x² - 11x नीचे आ गया। x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -3x² आए, -3x से, तो -3x², -3x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -9x, साइन प्लस का कैंसिल,
इलेवन एक्स माइनस में 9x प्लस में, तो यहां पे आ गया माइनस 2x और यहां पे आ गया माइनस 6। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करो कि माइनस 2x आए, माइनस 2 से, तो माइनस 2x, माइनस 2 को 3 से किया तो माइनस 6, साइन प्लस का कैंसिल। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट है? साफ पता चल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसने इसको डिवाइड किया, अबे इसने इसको डिवाइड किया तो ये आया। मतलब अगर 4 8 का फैक्टर है तो 4 ने 8 को डिवाइड किया तो 2 भी तो इसका फैक्टर निकला। यानी एक पता था दूसरा निकाल लिया, एक पता था दूसरा निकाल लिया, तो उसका मतलब द अदर फैक्टर इज, सिंपल शब्दों में कह सकता हूं, द अदर फैक्टर इज, 2x² - 3x - 2। देख लीजिए, अब क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द अदर फैक्टर्स, आपने लिखा द फैक्टर, अरे मत भूलो जो फैक्टर मैंने निकाला है वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2 होती है। अगर डिग्री 2 है तो कितने रूट्स निकलेंगे? 2 निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? आओ जरा गौर से देखो, यहां पे इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 2x² - 4x + 1x - 2 = 0। 2x कॉमन लिया, ब्रैकेट में x लगाया, -4 यहां बिठाया, और नहीं, 2x कॉमन लिया, ब्रैकेट में x लगाया, -2 यहां बिठाया, +1 कॉमन लिया, x - 2 यहां बिठाया, = 0 हमने पाया। 2x + 1 ब्रैकेट को लगाया, x - 2 को यहां बिठाया, = 0 हमने पाया। तो देयरफॉर पुट 2x + 1 = 0 एंड पुट x - 2 = 0। तो 2x = -1, x = -1/2 एंड x = 2। यानी एक अल्फा हमारे पास गिवन था, एक बीटा हमने निकाल लिया, एक गामा हमने निकाल लिया, तो देयरफॉर α = -3 क्वेश्चन में गिवन था, β = -1/2 हमने निकाला, यानी हमने फाइंड किया एंड γ = 2 भी हमने फाइंड किया। मैं आपको दे रहा हूं सजेशन कि एक बार देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, घूर लीजिए, मन में कोई है सवाल तो पूछ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन की शक्ल जितनी भी भयानक आ जाए आप घबराना मत। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये एक अकेला क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करा दिया है, लेकिन इसके बाद जो मैं अगला वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा उसमें मैं ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको प्रैक्टिस करने का मौका जरूर मिले और आपको डाउट्स तो जरूर आए। तो मेरी आपको है सजेशन, मेरी आपको है गुजारिश, चाहे आ जाए तूफान या पड़ जाए बारिश, एक कर रहा हूं मैं आपसे सिफारिश कि मत करना अपना टाइम वेस्ट। अगर आपको पाना है कामयाबी का टेस्ट, क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल्स मैंने आपको आज कराए, टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का ये जो लेक्चर था इसमें मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल का जिक्र किया, डिग्री 3 की बात करी और क्यूबिक पॉलिनोमियल से ताल्लुकात रखने वाले दो ही टॉपिक्स का जिक्र किया है। एक टॉपिक अभी भी मिसिंग है इस वीडियो लेक्चर में कि जब अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, गामा गिवन है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो भाई अभी आने वाला लेक्चर भी तो मिसिंग है, अगले लेक्चर में वहां से शुरुआत करूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगला वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए मेरी आपसे है गुजारिश कि इस वीडियो लेक्चर में जो भी बातें मैंने आपको बताई उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को उठाएं, उन्हें प्रैक्टिस करें, अच्छे से अपनी मेहनत करें। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, पड़ोसी के साथ, भैया के साथ, दीदी के साथ, जिसके मर्जी साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करें। Thank you once again, all my lovely dear children. Keep working hard. Stay blessed, all of you. Thank you.